हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान कास्ट 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लुकमाने हयात तेल के बारे में। इसके क्या यूज़ होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके डोसेस फॉर्म क्या हैं और इसके प्राइस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को पूरी वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लुकमाने हयात तेल क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है उसके जिसमें, जैसे कि जलने पर, मतलब जो लोग जल जाते हैं तो उस मतलब पर्टिकुलर एरिया पे इसे थोड़ा सा लगाया जाता है। उसके बाद जलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा राहत करता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तेल है। आपको कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ये टोटल आयुर्वेदिक है फ्रेंड्स। इसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है वो टोटल आयुर्वेदिक है। तो आप आयुर्वेदिक जानते हैं, जो नुकसान अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए, इसके जलने में यूज़ किया जाता है। और दूसरा यूज़ है इसका फ्रेंड्स कटने में। जैसे कोई कहीं पर कट गया है या फिर कहीं ब्लेड से कट गया है, किसी चीज़ से लग, मतलब कोई चीज़ लग गई है उस स्थान पर, जैसे कि कोई हाथ पैर या फिर उंगली वगैरह कहीं कट गए हैं, तो उस टाइम पर भी इसे यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पर इसे अप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, का तीसरा यूज़ है चोट पर। जैसे कहीं चाप को चोट लग गई है और बहुत ज़्यादा घाव वगैरह हो गया, तो उस टाइम पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। चोट में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, चोट में भी काफ़ी यूज़फुल है ये। और इसका तीसरा यूज़ है फ्रेंड्स मोच, मतलब मोच गया है फिर यहाँ पे, जैसे कि चलते टाइम हमारे पैर कहीं गड्ढे वगैरह में गिर जाता है, कहीं गलत एरिया में पड़ जाता है, तो उस पर मतलब मोच आ जाती है पेट में, मतलब पैर में, तो उस पैर की मोच के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पैर में सूजन वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इसका। तो फ्रेंड्स, मोच के लिए एक इसका यूज़ हो गया। एक और इसका है फ्रेंड्स दर्द में। अगर आपको किसी भी एरिया में, पैर में, हाथ में, रीढ़ में, पीठ में, कहीं भी आपको दर्द वगैरह है, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही असरकारी तेल है। तो आप इसका दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स का। और एक और यूज़ है सूजन, मतलब जिन लोगों को स्वेलिंग वगैरह आ गई है, मतलब सूजन आ गई है किसी एरिया में, चोट लगने पर या फिर किसी टाइप से और किसी कारण से आ गई है, तो फ्रेंड्स इसका यूज़ कर सकते हैं हम स्वेलिंग में भी। मतलब कहीं पर अगर पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर स्वेलिंग आ गई है आपके, तो उस टाइम पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसका एक और यूज़ होता है फ्रेंड्स जख्म, बहुत ज़्यादा जख्म हो गई है आपको, जैसे कोई चोट लग गई है और चोट लगने पर वो ठीक नहीं हो रहा है और वो जख्म के रूप में है और जख्म का रूप ले लिया अगर उसने, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उस्ताद तेल है उस मामले में भी। और फ्रेंड्स, इसका एक और यूज़ है पाइल्स, मतलब बवासीर, बवासीर में भी इसका बेस्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा यूज़ है इसका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपको किसी भी टाइप की बवासीर हो या खूनी हो, ब्लडी हो या फिर वैसी हो मसो वाली, तो उस टाइम पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बवासीर में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके। एक यूज़ और है इसका फ्रेंड्स मालिश, मतलब मालिश अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर करते हैं आप, तो इसकी मसाज या मालिश भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो इसके यूज़ हो गए और बहुत ही गुणकारी है, इसमें बहुत अच्छे गुण हैं और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको फ्रेंड्स। तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसे लगाने पर। तो फ्रेंड्स, एक बार और इसके यूज़ की यूज़ तो हमने बात कर लिए हैं, अब एक बार बात करते हैं इसके डोसेस फॉर्म के बारे में। डोसेस फॉर्म क्या फ्रेंड, जिस इसे थोड़ा सा हाथ पे लेके अप्लाई करना है, इसे मसाज करनी है तो मसाज में अप्लाई करना, और जहाँ कहीं चोट वगैरह, चोट है, कटे हैं, जले हैं, मोच, दर्द, सूजन, जख्म, बवासीर, जो कुछ भी है उस पर अप्लाई करना है इसे फ्रेंड। तो आइए एक बार इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लें फ्रेंड। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर है, क्योंकि टोटल आयुर्वेदिक। अगर इसे लगाने पर आपको जलन, ईचिंग वगैरह कुछ हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसे लगाने के बाद, उस पर्टिकुलर एरिया पर दाने वगैरह कुछ निकलना है, अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा। बिना डॉक्टर के संपर्क कोई भी मेडिसिन ना लें, हमेशा कहता हूँ इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमेशा कोई भी मेडिसिन लें तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें। बिना डॉक्टर संपर्क के कोई भी मेडिसिन ना लें। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, सभी से मेरा ये बिना निवेदन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके मतलब डोसेस फॉर्म हो गए, साइड इफेक्ट वगैरह हो गए। एक बार इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके प्राइस हैं 65 रुपीज़, आपको 65 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। और इसका रिजल्ट वेरी बेस्ट है, रिजल्ट में आप बिल्कुल भी बेझिझक इसे ले सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप इसे यूज़ करिएगा। और जब भी यूज़ करें तो डॉक्टर सलाह एक बार ज़रूर ले लेना। तो
तो फ्रेंड्स ये थे इसका एक छोटा सा रिव्यू था लुकमान हेयर तेल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में पहुँचाना ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वॉच करना। और ये चैनल है मेरा हेल्थ ज्ञान विकास 24, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।